हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? भाई सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। मेरा नाम ध्रुव है। तो भाई आज हम करेंगे सस्ते में फ़ायदे की बात। रेनो काइगर का RXL मॉडल देख रहे हो आप सामने, सेकंड बेस मॉडल है। अब मैं इसीलिए बता रहा हूँ सस्ते में फ़ायदे की बात, यार देखो जिस प्राइस पॉइंट में ये गाड़ी आती है, इसकी नीचे वाली सेगमेंट की गाड़ियाँ आती हैं इस प्राइस पॉइंट में, और उसी प्राइस पॉइंट में ये गाड़ी फीचर्स देती है, आपको सेफ्टी भी दे रही है, जहाँ पे सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपको मेजॉरिटी ऑफ द कार्स इस प्राइस पॉइंट की सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ करती हुई दिखेंगी, प्लस आपको अच्छे फीचर्स, अच्छा स्पेस, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, अच्छा बूट स्पेस, सभी कुछ बेस्ट है। और लास्ट में मैं इसकी इंजन की भी बात करूंगा, जहां पे बहुत से लोगों को अंडर पावर्ड फील होता है उसके बारे में। सो वीडियो को अंत तक देखना, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। RXL मॉडल है, प्राइसिंग 6.95 लाख एक्स शोरूम है पैन इंडिया, और वहीं पर 8.14 लाख है इसकी ऑन रोड नवी मुंबई के हिसाब से। अभी मैं रेनो बेंचमार्क में हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो 8,14,000 रुपये में क्या मिल जाता है ऑन रोड लगभग जो आती है प्राइस, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे कुछ ऐसी है इसकी चाबी, आपको रिमोट की मिलती है लॉक एंड अनलॉक बटन के साथ, और जो दूसरी चाबी है वो आपको सिंपल मिलती है, वो वाली रिमोट नहीं आती, सिर्फ एक ही रिमोट की आएगी। गाड़ी को फ्रंट प्रोफाइल से देखते हो, पहली बात तो ये इसका कुछ वाइट कलर है जिसमें गाड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर इसमें DRLs भाई आपको मिल जाती हैं इस कलर पर, बहुत सही भी लग रही है वो। टर्न इंडिकेटर्स हैलोजन में हैं। यहाँ पे आपको दो स्लॉट मिल जाएंगे क्रोम के, ग्रिल के अंदर बड़ा रेनो का लोगो। यहाँ पे कुछ हैलोजन हेडलाइट आपको मिल जाती है रिफ्लेक्टर बेस, जो आपकी लो बीम एंड हाई बीम के लिए आ जाती है। लोअर बम्पर पूरा ब्लैक कलर की ट्रीटमेंट में है, और आगे आपको ब्लैक स्किड प्लेट भी इसमें दी जाती है। गाड़ी की चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ, 1750 mm इसकी चौड़ाई है, और बॉनेट लाइन काफ़ी अपलिफ्टेड है, पूरा वो SUV वाला फील देती है जो ये कॉम्पैक्ट SUV है। अब इसकी साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इस गाड़ी की जो लेंथ है 3991 mm इसकी लेंथ है। यहाँ पे आपको 16 इंच के स्टील रिम मिलते हैं, ठीक है, 195/60R16 इंच के ये स्टील रिम्स हैं, इन पे सिल्वर व्हील कैप लगी है। ORPMs आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, बट फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे, और LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे इस पर। ब्लैक कलर वाइट कलर पे काफ़ी सही लग रहा है, जो डोर हैंडल्स हैं, गाड़ी थोड़ी स्पोर्टी लुक दे रही है। साइड में डोर स्टिकर मोल्डिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पे बी पिलर मैट ब्लैक में है, ए पिलर हालांकि बॉडी कलर में है, और सिल्वर में आपको रूफ रेल्स मिलती हैं, ऊपर रेगुलर एंटेना मिल रहा है। सो ये जो डोर एज गार्ड है, ये तो एक्सेसरी है। तो भाई ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से रूफ रेल्स आपको यहाँ पे 205 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, तो वो पूरी आपको एक SUV वाली फील देता है। अपलिफ्टेड बॉनेट है, तो ये चीज़ काफ़ी सही लगती है इस SUV में। उसके बाद 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस गाड़ी में मिलती है। अब है ना, बात करते हैं इस गाड़ी के रेयर प्रोफाइल से। तो सी शेप टेल लैम्प्स आप आपको यहाँ मिल जाते हैं, जो कि अच्छे लगते हैं, और ये पार्ट रिफ्लेक्टर है जो आपके डिक्की के आपके टेल गेट के इस पर आता है। बाकी ये पूरा वर्किंग है, जो आपकी स्टॉप लाइट, टर्न इंडिकेटर, और ये आपकी रिवर्स लाइट। गाड़ी में पीछे 3 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जो रिवर्स के टाइम में एक हेल्प सी कर देते हैं। काइगर की ब्रांडिंग क्रोम में, कोई रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता, रेयर डिफॉगर नहीं आता, हाई माउंट स्टॉप लैम्प और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आप देख सकते हो, काफ़ी शार्प और अच्छा लगता है। काइगर है ना, डिज़ाइन में काफ़ी शार्प और अच्छी लगती है देखने में। इसका जो ये कूपेश सा डिज़ाइन है ना, ये देखो, ये अच्छा लगता है। उसके बाद भाई गाड़ी में है ना 405 लीटर का बूट स्पेस है, सेगमेंट में बहुत बड़ा बूट स्पेस है, और ये जो बूट स्पेस है ऑब्वियसली नेक्सॉन और बाकी गाड़ियों से ज़्यादा है। पार्सल ट्रे मिल रही है, यहाँ पे आपको फैब्रिक मैट मिलती है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक इंसुलेशन दोनों साइड पे आपको मिल जाएगा, कोई भी बूट लगेज लैम्प यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। तो भाई डिक्की में स्पेस बहुत सही है, सामान बहुत आपका फिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, और इसका अभी पीछे लोअर बम्पर भी ब्लैक में रखा है। तो गाड़ी एक्सटीरियर से अच्छी लग रही है, DRLs जो आगे दिए हैं, LED टेल लैम्प्स दिए हैं, और ये रूफ रेल्स, ये सारी चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ, इनकी वजह से डेफिनेटली गाड़ी अच्छी लगती है। अब बात करते हैं इंटीरियर से। सो ये इसका ऑल ब्लैक में डोर ट्रिम है, ठीक है, प्लास्टिक में दिया है सभी कुछ, यहाँ पे थोड़ा ब्लैक पियानो फिनिश दिया है, ये अच्छा लग रहा है देखने में। अब अच्छी बात ये है कि भाई सेकंड बेस मॉडल या फिर आप उसके लिए जाते हो, तो आपको यहाँ पे ऑल 4 इलेक्ट्रिक विंडोज़, विंडो लॉक बटन, ORVM के कंट्रोल्स, स्पीकर्स दिए जाते हैं गाड़ी में आपको, बिकॉज 2 DIN का सिस्टम आ रहा है। सीट की अगर मैं बात करूँ, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, इसके ऊपर वाले वेरियंट में 4 एयरबैग्स आते हैं, इसमें 2 ही आएंगे, तो उनमें सीट में भी एयरबैग आपको मिल जाते हैं, कुछ ग्रे एंड ये चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है ड्राइवर सीट, तो एक चीज़ है। तो ये 6-way मैनुअली एडजस्टेबल है, जैसे वो वाली सीट है। अब बात करते हैं
इसके इंटीरियर की। सो इंटीरियर से ये गाड़ी अच्छी लगती है देखने में। डैशबोर्ड भी बहुत ऊपर की तरफ है इसका, तो पूरा एक एसयूवी वाला फील आता है, बिकॉज आपकी जो बैठने की पोजीशन है, समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो बॉनेट का वो वॉशर स्प्रे भी यहाँ पे दिख रहा है ना बॉनेट पे, और बॉनेट आगे आगे तक विजिबल है। तो एर्गोनॉमिक्स, जब आप इस गाड़ी को चलाओगे आपको ड्राइविंग के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको अच्छा खासा व्यू मिलने वाला है। ये पिलर इतना भी कोई मोटा नहीं है, ठीक है। सो ब्लाइंड स्पॉट ये सब की आपको चिंता करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ हॉर्न है, स्टेयरिंग व्हील एडजस्टेबल है सिर्फ रेक के लिए, रीच के लिए एडजस्टेबल नहीं है। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पे आपका लाइट और टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स हैं। नीचे आपको हेडलाइट लेवलर इधर दिया है। ये हैं आपके ABC पेडल्स ऑल्सो। देन डैशबोर्ड की बात करूँ, फुल हार्ड प्लास्टिक है, बीच में आपको ब्लैक पियानो फिनिश दिया है, अच्छा लग रहा है देखने में। ऑल्सो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो देखो ग्लव बॉक्स बड़ा है इसका, काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स दे रखा है गाड़ी में। और गाड़ी में ना अंदर बैठने से ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे छोटी या ऐसे कुछ महसूस हो, बड़ी तो देखो महसूस होती है, थोड़ी प्रीमियम भी महसूस होती है। इस ब्लैक पियानो फिनिश और ये सब का जो इस्तेमाल किया है अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं वाइपर के थ्रो की बात करूँ तो ये देखो, मुझे उसके लिए चाबी डाल के गाड़ी चालू करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके जो वाइपर का जो पानी स्प्रे है वो कहाँ तक आता है। आप ये देखो 3 स्प्रे निकलते हैं, और आपका जो स्प्रे है वो बीच तक है, तो विद इन नो टाइम आपका ग्लास एरिया साफ हो जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो आपका LED पैनल है डिजिटल में, टैकोमीटर, यहाँ पे फ्यूल टेम्परेचर गेज, इधर फ्यूल गेज, ये सारी वार्निंग लाइट्स, टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे देख रहे हैं आप ब्लिंक हो रहे हैं। बीच में एक MID है, डिजिटल स्पीड रीडिंग, यहाँ पे डिस्टेंस टू MT, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें, और क्या क्या इसमें दिखा देता है, इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, रेंज, ये सारी चीज़ें, सर्विस इंटरवल, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो बेसिक डेटा जो है ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के हिसाब से सब मिल रहा है आपको। उसके अलावा 2 DIN का सिस्टम है, अच्छी बात यह है कि ब्लूटूथ दिया है, USB पोर्ट यहाँ पे दिया है, ठीक है। कोई भी ऑक्स इनपुट मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, ऑक्स तो आपको नहीं मिलेगा। सो बटन्स पे सिल्वर ट्रीटमेंट दी है, तो ये अच्छी लग रही है देखने में। सो मैं तो रेकमेंड करूँगा आफ्टर मार्केट वो स्क्रीन अपग्रेड करा लो, वो ज़्यादा बेटर होगा इस गाड़ी के लिए। स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी में। ऑल्सो ये वाले AC वेंट्स एकदम फीके फीके लग रहे हैं, बट स्टिल इनके अराउंड थोड़ा ब्लैक पियानो फिनिश है, वो अच्छा लग रहा है। उसके अलावा ये आपकी हैजर्ड लाइट है, यहाँ पे आपका लॉक बटन है, इस तरफ देखते हो आप आपके मैनुअल AC के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, कुछ भी सामान रख सकते हो। 12 वाट का सॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऑल्सो रेनो से है ना आप एक एक्सेसरी ले सकते हो, वायरलेस चार्जिंग पैड, जो आपकी यहाँ पे फिट हो जाएगी 12 वाट के सॉकेट से पावर लेके, समझ रहे हो। कुछ 5,500 की वो एक्सेसरी है, वो आप ले सकते हो, जो कि बहुत सही मेरे को डील लगी इन लोग की। ऑल्सो लेदर अफोल्स्ट्री आपको नीचे, यहाँ पर ऊपर ये थोड़ा फीका रख दिया, थोड़ा ग्लास फिनिश रखता है ना, वो अच्छा लगता है देखने में। यहाँ लेदर फिनिश है, हैंड ब्रेक की टिप आपको क्रोम में मिलेगी। स्पेस देखो आप यहाँ पे, हालांकि वो आपको ट्रे वैसी नहीं मिलती स्लाइड ओपन वो करने वाली, बट यहाँ पे स्पेस अच्छा। आर्मरेस्ट दिया भाई इस गाड़ी में, जो कि एक बहुत सही चीज़ है, और इसकी कुशनिंग भी अच्छी है। यहाँ पर देख लो आपको भरपूर स्पेस है इस गाड़ी में, स्पेस के रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं। और रेनो की ये खास बात है कि ये लोग अच्छा स्पेस प्रोवाइड करते हैं। आपके 2 एयरबैग्स आ गए, ड्राइवर और पैसेंजर, देन आपका ABS EBD आ गया, ओवर स्पीड वार्निंग आ गई, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है। सो ये है कुछ इसका फ्रंट कैबिन। ऊपर यहाँ क्या मिल रहा है, तो ये आपका रिसीवर है यहाँ पर, इधर आपको कोई भी यस टिकट होल्डर दिया है, यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता। लाइट आपकी एकदम बेसिक है, येलो जो मिल जाती है, और आगे दी है, पीछे कहीं नहीं दी, तो एक मुझे ड्रॉबैक लगा, इतनी छोटी सी लाइट आगे दी है। IRVM आपका डे एंड नाइट आपको यहाँ पे मिल जाता है। सीट के कंफर्ट की बात करते हैं, तो देखो ड्राइवर आपका फ्रंट सीट्स में है ना, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था, ये बेस्ट तो नहीं है बट स्टिल थोड़ा बेटर हो सकता था। सो यार देखो अभी मैं आपको एक चीज बताऊँ, देखो 7 लाख रुपया एक शोरूम, जो 6.95 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस आ रही है, उस प्राइस पॉइंट में यार देखो सेफ्टी है ना, आपको फीचर्स कैबिन में अच्छे मिल रहे हैं, थोड़े क्वालिटी मटेरियल्स हैं, गाड़ी की लुक्स अच्छी है, DRLs मिल रही हैं, LED टेल लैम्प और ये सारी चीज़ें, प्लस इसकी जो सेफ्टी है भाई, हाँ 4-स्टार रेटेड प्रोडक्ट है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में सेफ्टी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है ना। इस प्राइस पॉइंट में आपको अराउंड टाटा टियागो मिल जाती है, जो आपको 4-स्टार की सेफ्टी देती है, बट यहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट SUV मिल रही है, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है।
और वहीं पे अगर मैं देखो अभी ये था इस गाड़ी का फ्रंट कैबिन, इंजन पे थोड़ी देर में आते हैं, तो ये मैं ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ ये सीट। अब समझो आप लोग 5 लोग की फैमिली हो और पीछे 3 लोग बैठे, कितने कंफर्टेबली बैठेंगे वो देखते हैं। तो मैंने ड्राइविंग सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट की है, तो यहाँ पे वही सेम डोर ट्रिम है, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है आपको। इलेक्ट्रिक विंडो के कंट्रोल्स, इंटीरियर डोर हैंडल ब्लैक में, यहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है हालांकि, एंड ऑल्सो इधर देखते हो तो यस काफ़ी सही है इनकी कुशनिंग। अब मैं आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ, आप ये देखिए। पहली बात तो देखो इस प्राइस पॉइंट में रेयर एसी वेंट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, यहाँ पे 12 वॉट का सॉकेट है एक, तो कन्वीनियंस फीचर्स पीछे वाले लोगों के हिसाब से बहुत अच्छे हैं इसमें। रेयर एसी वेंट्स और ऊपर से ये 12 वॉट का सॉकेट, कंफर्टेबल सीट, पीछे अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, कंफर्टेबली इस गाड़ी में 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, सच बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो हम्प है वो फ्लैट है, तो यहाँ जब पैर रखोगे ना तो अंडर थाई सपोर्ट जाएगा नहीं आपका, तो ये एक चीज़ अच्छी है। हालांकि सीट पॉकेट नहीं मिलती आपको यहाँ पे, और ये कुछ डैशबोर्ड का लुक है। तो 3 लोग मेरे जैसे जो हेल्दी एडल्ट है ना वो भी यहाँ पे कंफर्टेबली बैठेंगे, समझ रहे हो। आमरेस्ट दिया यूएसबी इंटीरियर में, तो मुझे ये बढ़िया लगी कि भाई आमरेस्ट दिया है, रेयर एसी वेंट्स, 12 वॉट सॉकेट आगे और पीछे दोनों तरफ, ऊपर से आपको अच्छे एर्गोनॉमिक्स मिलते हैं वाइल्ड ड्राइविंग, जो एसयूवी का पूरा वो बॉनेट दिखना वो सारी चीज़ें, वो एक काफ़ी सही चीज़ है। सो ये ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी एक अच्छी गाड़ी है इस प्राइस पॉइंट में, और जो पीछे लोग बैठते हैं उनके हिसाब से भी अच्छी गाड़ी है। आप अपग्रेड करा सकते हो, ट्विटर्स व्यूटर्स लगा लो कंपनी से या फिर आफ्टर मार्केट, वो सारे ऑप्शन तो मिल ही जाते हैं। ये है पार्सल ट्रे। अब है ना इसके इंजन की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे इस गाड़ी में ना 1 लीटर का 3 सिलेंडर एनर्जी इंजन दिया जाता है, ठीक है, जो आपको अराउंड 71 BHP और 96 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देखो अंडर पावर्ड है, बट एक चीज़ आप समझ के देखो कि स्पीड लिमिट जो 80, और सिटी में आप इतना कहाँ भगाओगे, हाईवे पे ठीक है ओवरटेकिंग के टाइम पावर चाहिए, सीधी सीधी रोड पे तो देखो उतना दे देगी, जो अंडर पावर्ड एक्चुअली फील होगी ना वो थोड़ी बहुत घाट पे होगी, और घाट पे तो देखो हर रोज़ जाते नहीं। कहीं ना कहीं रेनो का जो एम था अफोर्डेबल प्राइस में इतना सब कुछ देना, वहीं पे ठीक है इंजन में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, बट ऐसा इंजन नहीं है कि वो बिल्कुल मरा हुआ इंजन है, आपके सारे काम कर देता है वो सिटी और इसके हिसाब से, भाई ये गाड़ी बिक रही है, अच्छी खासी बिक रही है, समझ रहे हो। सो नीड आपकी पूरी हो रही है, कौन सा आप अगर भगाओगे। और वही इंजन से माइलेज की बात करूँ यार, माइलेज अच्छा मिल जाता है उस इंजन से, 19 का कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है, तो भाई माइलेज फिगर्स काफ़ी सही हैं। तो देखो इस प्राइस पॉइंट में अच्छा बूट स्पेस, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, कॉम्पैक्ट एसयूवी, सबसे बड़ी बात 4-स्टार रेटेड वो भी, समझ रहे हो, 6,95,000 में, रेयर एसी वेंट्स, आर्मरेस्ट, फिर आपका अच्छा म्यूजिक सिस्टम, जो आकमेस के स्पीकर्स इसमें दिए जा रहे हैं, ठीक है इंजन थोड़ा ऑन द डाउन साइड है, बट स्टिल इसके ऊपर वेरियंट्स में आप जा सकते हो जहाँ पे और भी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको ORVMs इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, LED टर्न इंडिकेटर्स, DRLs, LED टेल लैम्प, तो ये डेफिनेटली बोलते हैं ना मैंने जो पहला डायलॉग दिया था कि भाई सस्ते में फ़ायदे की बात, ये है एक्चुअली, समझ रहे हो। देखो अगर आपको 1.2 लीटर वाली गाड़ी चाहिए इसी प्राइस पॉइंट में, बेस्ट ऑप्शन आपको टाटा पंच मिल जाता है ना, उसके लिए आप देख सकते हो। सो भाई यही था फुल काइगर के RXL वेरिएंट के बारे में, आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी, कुछ भी सवाल है पूछ सकते हैं, नहीं तो बेस्ट है इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो। सो भाई मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।